हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज सूरज कुमार तिवारी एंड यू आर वाचिंग कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सिनेरियो मैनेजर के बारे में। हालांकि एक वीडियो पहले भी मैं सिनेरियो मैनेजर पर बना चुका हूं, लेकिन ये भी वीडियो सिनेरियो मैनेजर के ही ऊपर है और काफ़ी हद तक ये आपके डाउट्स क्लियर कर देगा सिनेरियो मैनेजर के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सिनेरियो मैनेजर हम कैसे लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए आइटम नेम है और यहाँ पर ऑर्डिनरी राइस ये लिखा हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। मैं यहाँ लिख देता हूँ प्राइस, पी आर आई सी ई, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे दो कॉलम हमारे पास हैं, एक आइटम नेम के और दूसरे प्राइस के। यहाँ प्राइस लिखी हुई है, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल इसका। सबसे पहले हमें इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट कर लिया हमने, और जाना है आपको डेटा टैब में। यहाँ पे आपको डेटा टैब दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करके आप आ जाइए व्हाट इफ एनालिसिस, फिर क्लिक कीजिए सिनेरियो मैनेजर पर। जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये एक बॉक्स डिस्प्ले होगा आपके सामने ऐसा, और यहाँ पे ऐड पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। और इसको कोई नाम दे देते हैं हम, जैसे ये डिटेल जनवरी की है तो हम यहाँ फरवरी नाम दे देते हैं, एफ ई बी लिख देता हूँ मैं और एंटर प्रेस करता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये डिटेल खुल करके आ गई है। अब जनरली जो दुकानदार होते हैं उनको ये अनुमान होता है कि जनवरी में प्राइस ये रही, फरवरी में प्राइस क्या होगी, अप्रैल में प्राइस क्या होगी, मई में प्राइस क्या होगी, इसका एक अनुमान लगाते हैं दुकानदार जो होते हैं, शॉपकीपर होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, जो दुकान वाले होते हैं या बड़े होलसेल विक्रेता होते हैं, वो ये अनुमान लगाते हैं कि मतलब क्या हम रखेंगे। इसी तरह से स्कूल की बात कर लें तो स्कूल की फीस किस महीने कितनी बढ़ानी है, घटानी है या सेम रखनी है, ये भी जो है वहां का जो मैनेजमेंट है वो डिसाइड करता है। तो हम यहाँ पर प्राइस डिसाइड करेंगे। जैसे ये बासमती राइस है तो बासमती राइस का जो प्राइस है, ठीक है, वो 120 रुपए था जनवरी में। तो अभी मैं क्या करूंगा, फरवरी में इसको बढ़ा दूंगा, 122 रुपए किलो कर दूंगा, ठीक है। इसी तरह से टाटा संपन्न का जो दाल आता है वो 120 रुपए किलो है, तो मैं इसको घटा दूंगा, इसको 90 रुपए कर दूंगा, ठीक है। टाटा साल्ट नमक 20 रुपए का रहेगा, इसमें ज़्यादा कुछ चेंज होता नहीं है। ब्रिटानिया बिस्किट ये भी 32 रुपए का रहने देते हैं। फॉर्चून कच्ची घानी, अब ये जो है घट करके इसका दाम 70 रुपए का आ जाएगा, ठीक है। फॉर्चून रिफाइंड ये 70 रुपए का है तो इसको हम 72 रुपए कर देते हैं, थोड़ा बढ़ा देते हैं प्राइस। ये अनुमान पर डिसाइड होगा, ठीक है। जो दुकानदार होते हैं, जो बेचने वाले होते हैं, वो अनुमान लगाते हैं कि इस महीने क्या दाम रहेगा इसका, तो उस हिसाब से ये हम करेंगे। सफोला का प्राइस यही रहने देते हैं, पतंजलि का भी यही रहने देते हैं, और यहाँ पे टोटल है तो अब यहाँ पे आपको ऐड करना है फिर से। तो ये तो एक हमने ऐड कर लिया, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने ऐड किया था फरवरी, अब फिर हम ऐड करते हैं अब मार्च, ठीक है। तो अब मार्च में प्राइस क्या रहने वाली है वो यहाँ पे शो होगा, ठीक है। यहाँ पे ओके कीजिए और यहाँ पे ओके कर दीजिए, तो ये यहाँ पे आ गया है। अब जैसे बासमती राइस 122 रुपए की बिकी थी, अब घट जाएगा इसका प्राइस मार्च में जो है 110 रुपए किलो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 110 कर देता हूँ मैं, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही रखते हैं हम जैसे पुरानी है जनवरी वाली प्राइस, ठीक है। और इसको ओके प्रेस कर देते हैं, ठीक है, या ऐड कर देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से देखिए ये ऐड हो चुका है। फिर यहाँ से अगला जो हमें अप्रैल का डिटेल बनाना है वो यहाँ से ऐड कर देंगे, या वहाँ से भी कर सकते थे जहाँ से हमने किया। अब यहाँ पर आप जो है अप्रैल का डिटेल बनाइए, ए पी आर आई एल अप्रैल मैं लिख देता हूँ, और यहाँ से ओके प्रेस कीजिए और यहाँ से ओके प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पे ये डिटेल है, तो यहाँ बासमती राइस और ये टाटा संपन्न का जो दाल है, यहाँ पर टाटा साल्ट का जो कीमत है वहाँ पर मैं बढ़ा देता हूँ, 21 रुपये कर देता हूँ, ठीक है। ये जो बिस्किट है 32 रुपये का, इसको 35 रुपये कर देता हूँ, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें वैसे ही रहने देते हैं, ओके प्रेस करेंगे। तो ये देखिए ये अप्रैल की डिटेल क्रिएट हो चुकी है। अब हम कहाँ जाएंगे, ऐड पे जाएंगे, अब मई की डिटेल क्रिएट कराएंगे। यहाँ मैं लिख देता हूँ मई, ठीक है, ओके प्रेस करूँगा। तो यहाँ पर मई की डिटेल के लिए हमें जो अनुमान लगाना है वो अनुमान हम यहाँ पर दे देंगे। मई में हम सिर्फ क्या करेंगे, पतंजलि सरसों ऑयल का दाम बढ़ा देंगे, ठीक है। जैसे मैं कोई दुकानदार हूँ नहीं, मैं कोई व्यवसायी नहीं हूँ, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार से इसका यूज आप कर सकते हो, ठीक है। तो पतंजलि का जो दाम है वो मैं कर देता हूँ 85 रुपये, ठीक है, जो सरसों ऑयल है, और यहाँ से ओके प्रेस करना है आपको। अब मान लीजिए आपको इतने ही की डिटेल क्रिएट करानी है, चाहे तो आप आगे भी इस तरह से डिटेल क्रिएट करा सकते हैं, मई के बाद मई जून जुलाई पूरा डिटेल क्रिएट करा सकते हैं। फिलहाल मैं इतना ही रहने देता हूँ। और हमें कहाँ क्लिक रखना है, यहाँ पे समरी पे क्लिक करना है, और समरी पे क्लिक करके ये टोटल को सेलेक्ट करना है आपको और ओके पे प्रेस करना है। तो
तो जैसे ही प्रेस करेंगे कुछ इस तरह का सिनेरियो हमारे सामने खुल करके आ जाएगा। अभी करेंट वैल्यूज ये हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं करेंट वैल्यूज। मैं आपको थोड़ा यहाँ से जूम करके भी दिखा सकता हूँ, ये देखिए यहाँ से करेंट वैल्यूज, ये देखिए यहाँ ऊपर करेंट वैल्यूज लिखा हुआ है, आइटम नेम और प्राइस दोनों इसमें है। तो ये आइटम नेम है बासमती राइस 120 रुपए किलो थी, ठीक है, जनवरी में, फरवरी में इसकी कीमत बढ़ी 122 हो गई, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे 110 रुपए बासमती प्राइस जब घट गई तो 110 रुपए आ गई, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये बात समझ में आ रही होगी आपको कि ये कैसे कैसे ऑर्गेनाइज हो रहा है, ठीक है। अब ये पूरा डिटेल जो है आप देख सकते हैं, और सिनेरियो मैनेजर का कुछ इसी प्रकार से आप उपयोग कर सकते हैं। तो आई होप की बात समझ में आई होगी आपको कि सिनेरियो मैनेजर हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।